जेईई मेन की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 के बीच देश भर में कराई जा रही है। एनटीए ने कोविड 19 से सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हुए हैं। आज 3 सितंबर को देश भर में तीसरे दिन भी एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा रहा है। कई बार जेईई और नीट की परीक्षा को पोस्टपोन करने की बात करी गई और देश भर में विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इन एग्जाम्स को पहले 2 बार पोस्टपोन किया जा चुका है और अब इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराना जरूरी है, वरना स्टूडेंट्स का ये साल खराब हो सकता है। एग्जाम्स लगातार चल रहे हैं और 6 सितंबर तक जेईई मेन के एग्जाम्स चलेंगे और 13 तारीख को नीट की परीक्षा होनी है। आइए एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल से ही जानते हैं कि जो एग्जाम्स अभी तक कंडक्ट कराए जा चुके हैं उस पर उनका क्या कहना है। जिन छात्रों ने ये परीक्षाएं दी उनके अभिभावकों के भी मुझे संदेश आ रहे हैं और जो छात्र अभी इन आगे बैठना है जिन्होंने उनके भी संदेश आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि काफी डर था लोगों में पहले, उन्होंने कहा था कि कोरोना से लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। हमने जो भी कदम उठाए वो छात्रों के भविष्य को देखते हुए उठाए। मैंने पहले भी कहा कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा पहला और उसके बाद भविष्य दूसरा, इन दोनों को हम छोड़ नहीं सकते। पहले उसकी सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ उसका बेहतर भविष्य। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात का संतोष भी है कि यदि गवर्नमेंट ने पूरी ताकत के साथ छात्रों के पीछे खड़े होकर के उनको भरोसा दिलाया तो आज उस भरोसे पर मेरे छात्र छात्राएं पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर वो परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को लेकर ये भी खबरें आ रही थी कि एग्जाम सेंटर पर कम अटेंडेंस देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि इस पर एजुकेशन मिनिस्टर का क्या कहना है। यदि देखेंगे तो पिछली बार के लगभग है, लगभग यदि 5-10% को यदि देखा जाए तो मुश्किल से 10% का जो है अंतर है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने ये अपनी परीक्षाएं करा दी। जिन राज्यों की थोड़ा बहुत उपस्थिति कम है उसी बीच इसी दौरान उन राज्यों ने अपने संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं को कर दिया, तो जो उन राज्यों में बैठ गए अपनी परीक्षाओं में वो इधर फिर नहीं आ पाए। लेकिन इस सब के बावजूद भी इतनी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति और बहुत उत्साह है छात्र छात्राओं।